हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी हो रहा है शाम हो रहा है और मैं देखिए शाम के टाइम क्या कर रही हूँ, खाने की तैयारी। अभी शाम नहीं दिखाया मैंने, आज सुबह से बिल्कुल भी आप लोगों से बातें नहीं हो पाई थी। देखिए मैं किचन में क्या कर रही हूँ, शाम के टाइम भूख लग रहा है। आ गई मैं किचन में, क्लिक 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 करके। यहाँ मैं बना रही हूँ पराठा, आलू के पराठे बट अलग स्टाइल। आटा में मैंने सुबह ही मैंने आलू बॉईल किया था, सुबह मैंने खिचड़ी बनाई थी। खिचड़ी में थोड़ा आलू ज़्यादा ही बॉईल कर लिया था कि आलू का पराठा बनाऊँगी, लेकिन कल का पार्टी बहुत भारी पड़ा। अभी तक ये हस्बैंड जी खाना नहीं खाए हैं, कल रात में ये जो खाना खाए वही खा रहे। सुबह खिचड़ी बनाई थी, रखी हुई है, मैंने भी सुबह ही खिचड़ी खाई, दोपहर में कुछ भी खाना नहीं खाया। अभी बना रही पराठा, शाम पराठा बना के रख देती हूँ, फिर शाम देख के चाय बनाऊँगी, चाय के साथ पराठा मेरा। मैंने आटा में आलू को मैश कर दिया, उसमें प्याज काट के, मिर्ची काट के, अजवाइन नमक मिला के बेल के बस पराठा बन गया। सांझ जोत बत्ती वगैरह दिखा के फिर मैं से खाऊंगी। बहुत जोर से भूख लगी है एक्चुअली, मुझे इतनी जोर से भूख लगी है कि मैं बता नहीं सकती। सांझ के टाइम जब ऐसे बोलते काम नहीं करना चाहिए, सांझ बना लेकर और मैं खाना बना सकता। पता नहीं क्यों ऐसे बोलते कि शाम में मतलब कोई काम नहीं करना, जैसे पढ़ाई नहीं करना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए, क्यों पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मम्मी और बोलती थी कि हाँ दो पहरा मिलता है, क्या बोलती पता नहीं, मिलता है सांझ और मिलता है, तो इसीलिए शाम क्या होता है पता नहीं, नहीं करना चाहिए। लेकिन सांझ हो रहा, अभी मैंने जोत बत्ती भी नहीं दिखाई और मैं पराठे बना रही, मैं सोची जल्दी जल्दी मैं पराठे आलू के पराठे ही, मम्मी मम्मी उन्हें किस टाइम उनके प्यार पानी वाला। खाऊंगी, भूख मिटाऊंगी। मौसम भी बहुत सुंदर है, सांझ का टाइम इतना अच्छा मौसम होता है ना, यहाँ से अपने किचन से बहुत मज़े लेती हूँ हर मौसम के। बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, धूप हो, शाम हो, सब मौसम के मज़े लेती हूँ अपने किचन से। फटाफट से मोटे मोटे पराठे, इतनी बड़ी बोली की है मैंने, आटा का सिर्फ चार पराठा बनाया, दो मैं हस्बैंड तो शौक हुआ, उन्होंने कल ही रात से खाया, अभी तक कुछ नहीं खाया था, जो तो भूख ही नहीं लग सकती। लेकिन मैंने भी आज सिर्फ सुबह खिचड़ी खाई, फिर अभी तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया के नाम पे मैंने खाया गाजर, एक तिलकुट और कुछ नहीं खाया। अभी खाऊंगी चाय पराठा। ये है हम लोग का शाम का स्नैक्स, कैसा लगा आप लोग को कमेंट करिएगा। मैंने कटोरी में तेल लिया, इसी से तेल डाल के डालती हूँ, मतलब इसी से तेल डालती हूँ पराठे में। बाय बाय, मिलती हूँ जब ये पराठा खाऊंगी तब। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, हम लोग का शाम का नाश्ता चाय पराठा। एंड ये निकला टेबल, आज उस टेबल पे खाने का मन नहीं था, इसी टेबल पे खाने का मन। सो निकल चुका है हमारा बेड टेबल, रेडी टू इवनिंग, भूख के लिए पाड़ने के लिए तैयार। बाय बाय। नोर का सूप नहीं, एक्चुअली ये मनचाओ सूप है।
खाना बना हुआ नहीं खाना है, लेकिन हम लोग को सूप पीना है। सूप मंचाओ सूप। लेकिन ठंड के लिए ऐसा मौसम अच्छा नहीं है। वैसे भी ठंड है, ठंड में तो वैसे भी मौसम अच्छा ही होता है, धूप कम निकलती है। बहुत सुंदर मौसम है। जाती हूँ फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी, फिर तो पानी में उठ ही नहीं हूँ। संडे था, संडे का थोड़ा लेट होता है। पानी वानी गर्म करती हूँ करने के बाद, बात करने में मेरा पानी नहीं लगी। फिर टफक से दवाई वगैरह खा लेती हूँ, फिर बातें कभी नहीं। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज है संडे। वाह, आज का मौसम बहुत सुंदर है। रात में यहाँ बारिश हुई थी, थोड़ी सी हुई लेकिन बारिश हुई थी। धूप बिल्कुल भी नहीं उगा है, बादल लगा रखा है, एकदम घना बादल लगता है। बहुत तेज की बारिश होगी। अभी तो मैं उठ रही हूँ और बारिश होने की वजह से ठंड भी बढ़ गया है। बहुत सुंदर पोहा नाश्ता में किया जा रहा है। पोहा इधर अनार छिला जा रहा है पोहे में डालने के लिए। एक पोहे में भी डाल चुका अनार। खांसी हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। बहुत यम्मी बना है पोहा, बनाया किसने? मैंने। मिलते हैं ब्रेक के बाद पोहा ख़त्म करके।